चलिए बेटा अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, क्लास फिफ्थ चैप्टर 15। कल मैंने आपको दोहे के लिए अर्थ लिखने का बोला था, जो दोहे मैंने समझाए थे, क्या आपने सबने वो अर्थ लिखे बेटा? अपने मम्मी पापा को पढ़वाए उसके अर्थ या नहीं पढ़वाए? समझ में आया था कल दोहे? रिप्लाई मी थम्स अप। सबको कल दोहे समझ में आए थे बेटा? दो मिनट बेटा, है ना, दो मिनट में अपन चालू करते हैं। ठीक है, अपन चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 का नाम है अनु की डायरी। अनु की डायरी के पन्ने। ओके देन स्टार्ट द चैप्टर नंबर 15। 6 जुलाई एक अजीब सी घटना हुई, मतलब 6 जुलाई को एक अजीब सी घटना हुई। अब उस घटना के बारे में आपको बताया जाएगा। मैं कमरे में बैठकर अपना गृह कार्य कर रही थी। गृह कार्य यानी क्या होता है बेटा? होमवर्क। क्या होता है गृह कार्य यानी? होमवर्क। ठीक है, तभी दरवाजे की घंटी बजी। आपने पेज नंबर 129 निकाल लिया? 129 निकाला बेटा सबने? ओके देन स्टार्ट करते अपन, है ना। 6 जुलाई आज एक अजीब सी घटना हुई। मैं कमरे में बैठकर अपना गृह कार्य कर रही थी। गृह कार्य में क्या होता है बेटा? होमवर्क। क्या होता है गृह कार्य में? होमवर्क। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि सीमा आंटी अपनी 10 वर्षीय बेटी रानी के साथ घर का काम करने आई है। मतलब जो उनकी यहाँ पे जो काम करती थी वो उनकी 10 वर्ष की जो एक बेटी थी 10 साल की, उसके साथ में काम करने के लिए आई थी। ठीक है, मैं पुनः अपना गृह कार्य करने लगी। पुनः यानी वापस, दोबारा। पुनः यानी क्या होता है बेटा? दोबारा, है ना। मैं वापस अपना गृह कार्य करने लग गई थी। ठीक है, रानी भी मेरे पास बैठ गई। तभी माँ ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और वापस आई तो देखा रानी बड़ी खुश होकर मेरी किताबें देख रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना गृह कार्य करने लगी। 7 जुलाई, अब 7 जुलाई की बात बता रहे हैं आपको। आज फिर रानी अपनी माँ के साथ काम करने आई। मन में विचार आया कि देखो आज वो क्या करेगी। उसने सोचा कि आज देखो आज वो क्या करेगी। थोड़ी देर बाद जब मैंने उसे कमरे में गई तो देखा रानी मेरे बस्ते में से किताब निकालकर बड़े उत्साह से पन्ने पलट रही थी। मैं चुपचाप कमरे में घुसी। मुझे सामने देखते ही उसके होश उड़ गए। बोली, दीदी मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। मतलब उसको उसको अचंभा हुआ तो उसने बोला, दीदी मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। बेटा पेज टर्न कीजिए बेटा। ठीक है, मैंने उससे प्यार से कहा, रानी डरो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं।
पर मुझे बताओ क्या तुम्हें पढ़ना आता है? क्या कहा उसने कि मुझे बताओ क्या तुम्हें पढ़ना आता है? तब उसकी आंखें मानो बूझ सी गई। बूझ यानी कि उसकी आंखों में मतलब जो खुशी रहती ना वो आंखों में थी नहीं। ठीक है, मैंने उसके बिना कुछ कहे ही उत्तर मिल गया। मतलब उसको पढ़ना नहीं आता, उसने कुछ नहीं कहा पर उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। मतलब वो समझ गई है ना, वो समझ गई कि इसको पढ़ना नहीं आता है, वो उसका बिना उत्तर जाने समझ गई थी। फिर मैंने पूछा, उसकी आंखें मानो बुझ सी गई थी। मैंने उसके बिना कुछ कहे उत्तर मिल गया था। स्कूल में पढ़ोगी है ना, क्या कहा उसने, स्कूल में पढ़ोगी? फिर मैंने पूछा। सुनते ही रानी की आंखों में चमक और चेहरे पर हंसी आ गई। रानी की आंखों में चमक और चेहरे पर हंसी आ गई, परंतु अगले ही क्षण गायब हो गई। माँ के साथ काम कौन कराएगा, क्या बोला उसने। वो पहले तो सोचता कि हाँ मैं भी स्कूल जाऊंगी, फिर उसने सोचा कि अगले माँ के साथ काम कौन कराएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। उसने कहा, तभी रानी की माँ ने आवाज लगाई और वो चुपचाप उसके साथ चली गई। तभी रानी की माँ ने आवाज लगाई और चुपचाप उसके साथ में चली गई। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या रानी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? है ना, ये सवाल उठा कि क्या रानी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे बचपन में खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? अब 8 जुलाई की बात है ना, तब की है 8 जुलाई। ठीक, आज मैं बड़ी बेसब्री से रानी की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा यानी क्या होता है बेटा, इंतजार। टिक लगाओ प्रतीक्षा को, है ना, प्रतीक्षा में होता है इंतजार। आज भी बड़ी बेसब्री से रानी का इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही रानी आई, मैंने उससे फिर पूछा, रानी यदि तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल भेजने की तैयार हो जाए तो क्या तुम स्कूल जाओगी? उसने कहा कि रानी, क्या तुम्हारी माँ स्कूल भेजने की तैयार हो जाएगी तो क्या तुम स्कूल जाओगी? रानी की आंखों में फिर चमक आ गई। ठीक है, रानी की आंखों में फिर चमक आ गई, चमक उठी, बोली, हाँ हाँ दीदी मैं खूब पढ़ूंगी, पर माँ को कौन समझाएगा? क्या बोले उसने, हाँ हाँ दीदी मैं खूब पढ़ूंगी, पर माँ को कौन समझाएगा? इतने में रानी की माँ की आवाज आई, रानी जरा जल्दी काम कर ले, घर जाकर तुझे खाना भी बनाना है। क्या बोला उसने, रानी जरा जल्दी काम कर ले, घर जाकर तुझे खाना भी बनाना है। अब आप बताओ, इतने छोटे से बच्चे खाना बनाते हैं क्या? क्या काम करते हैं किसी के यहाँ? पर वो करती है ना, क्योंकि उनके घर में उन परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उनको घर पे काम, घर लोगों के घर काम करके फिर उनको गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा माँ कहकर रानी फिर जल्दी जल्दी काम करने लगी। अच्छा माँ कहकर रानी फिर जल्दी जल्दी काम करने लगी। मैं सुनकर अचंभित रह गई, मैं सुनकर अचंभित रह गई। जहाँ इस उम्र में हम सब खुश होकर स्कूल जाते हैं, वही रानी खुशी खुशी उत्साह पूर्वक बिना किसी शिकवे शिकायत के सभी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने को तैयार थी। जहां हम लोग स्कूल जाते हैं, वही रानी खुशी खुशी उत्साह पूर्वक बिना किसी शिकवे शिकायत मतलब किसी से उससे शिकायत नहीं करी के सभी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने को तैयार थी। पर मैंने भी मन में निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह रानी को शिक्षा का अधिकार दिलवाकर रहूं। अब वहां पे जो उसकी दीदी थी, उसने सोचा, उसने तो मनी मन निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं तो रानी को शिक्षा का अधिकार दिलवाकर ही रहूं। ठीक है, अब आपके पास में आ गया 9 जुलाई, 9 जुलाई का। ये कब से चालू हुई है बात? 6 जुलाई से हुई थी। पहले दिन तो उसने देखा, 6 जुलाई को उसने देखा कि वो उसकी दीदी की किताबों को देखकर खुश हुई। 7 जुलाई को उसने क्या देखा कि किताबें उसने पलटी, उसके रूम में जाकर किताबें के पेज पलटे और बहुत खुश हुई थी। और 8 जुलाई को उसने क्या देखा, उसने उससे बात करी कि अगर तुम्हारी मम्मी हाँ बोलेगी तो क्या तुम सीखोगे, शिक्षा ग्रहण करने चाहोगे? तो उसको बहुत अच्छा लगा ये सुन के, है ना। पर
पर उसने ये बोला कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का खर्च खर्च कैसे चलेगा। फिर उसने उसकी दीदी ने बोला, एक निश्चय लिया, एक दृढ़ निश्चय किया कि मैं इसको शिक्षा दिलवाकर रहूंगा। ठीक है, अब 9 जुलाई की बात अपन करते हैं। ठीक है, 9 जुलाई आज सुबह सुबह ही मैंने अपना पाठ याद कर लिया, उसको टीचर ने कुछ याद करने के दिया होगा पाठ, तो इसमें आज सुबह सुबह ही मैंने अपना पाठ याद कर लिया। और रानी और उसकी माँ की आने का इंतजार करने लगी, और रानी और उसकी माँ का आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रानी की माँ खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रानी की माँ खड़ी थी। मेरी आंखें रानी को ढूंढने लगी, जैसे अब कोई बाहर आता है और अपन सोचते कि वो आने वाला है, वो नहीं दिखता, अपन ढूंढते ना, कुछ बोलते नहीं, पर देखते हैं बाहर कि वो आई कि नहीं आई, है ना। तो मेरी आंखें रानी को बाहर ढूंढने लगी, मुझे रानी कहीं नहीं दिखाई दी। सामने वाले पेज पर देखिए बेटा, 131 पर देखना, मुझे रानी कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो मैंने रानी की माँ से पूछा, आंटी आज रानी क्यों नहीं आई? क्या बोला? आंटी आज रानी क्यों नहीं आई? उसकी माँ ने कहा, घर पर कुछ जरूरी काम था। क्या कहा? घर पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए रानी आज नहीं आएगी, है ना, इसलिए रानी आज नहीं आएगी। मेरा मन कुछ उदास हो गया, मेरा मन कुछ उदास हो गया। मुझे अचानक चुप देखकर माँ ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मुझे उदास देखकर मेरी माँ ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने माँ को सारी बात बता दी। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा कि वे स्वयं रानी की माँ से बात करेंगी। माँ की बात सुनकर मेरे मन में उम्मीद की किरण जागी। मतलब उसने बोला कि मैं स्वयं रानी की माँ से बात करूंगी, तो उसने सोचा कि वो समझाएंगी रानी की माँ को कि रानी को पढ़ाई करना चाहिए, है ना। चलिए, अब 10 जुलाई की बात हो रही है ना। अब 10 जुलाई की बात हो रही है। आज सुबह रानी अपनी माँ के साथ आई। आज सुबह रानी अपनी माँ के साथ आई। वह जल्दी जल्दी काम करने लगी। वह जल्दी जल्दी काम करने लगी। माँ ने रानी की माँ से पूछा, सीमा तुम रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजती? माँ ने रानी की माँ से पूछा, सीमा तुम रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजती? उसने हंसकर कहा, बीबी जी, रानी यदि स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन कराएगा? उसने हंसकर कहा, बीबी जी, अगर रानी स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन कराएगा? घर खर्च कैसे चलेगा? वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने से फायदा क्या है? क्या कहा उन्होंने? वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने से फायदा क्या है, कहाँ है? और अगर वो स्कूल चले जाएंगे तो घर खर्च कैसे चलेगा? मेरे साथ काम कौन करवाएगा, है ना। फिर वो बोलती है, लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा है, लड़कियां तो पराया धन होती है ना, उससे हमारा वंश तो नहीं चलेगा। मतलब लड़कियों को तो शादी करके दूसरों के घर जाना पड़ता है, लड़के तो माँ बाप के साथ रहते हैं, पर लड़कियां थोड़ी रहती है। लड़कियों को तो शादी करके दूसरे घर जाना पड़ता है, इसलिए लड़कियां तो पराया धन होती है, वह हमारा वंश थोड़ी चलाएंगी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो। क्या कहा उसकी माँ ने समझाते हुए? कि नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो, इसका ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटियां भी तो उतनी ही प्यारी होती है जितने की बेटे। बेटियां भी तो उतनी ही प्यारी होती है जितने की बेटे। बेटियां पढ़ाई करने के साथ साथ घर का काम वगैरह भी सहज भाव से पूरा करती है ना। जैसे बेटियों को अगर मम्मी अगर अब बेटी को बोलती है तो बेटी बकायदा काम कर देती, मना नहीं करती, है ना, पर बेटे नहीं करते। बेटे गुस्सा होकर चल जाते हैं, नहीं मुझे खेलने जाना है, ये वो, ठीक है। पर बीबी जी, इससे बढ़ाकर फायदा क्या है? सीमा बोलती है उसकी दीदी की मम्मी से कि बीबी जी, इसे पढ़ाकर फायदा क्या है? कुछ सालों में शादी करके चली जाएगी। रानी की माँ उदास होकर बोली, इससे फायदा क्या है, कुछ सालों में तो शादी शादी करके चली जाएगी। रानी की माँ उदास होकर बोली, तो क्या हुआ अगर पढ़ना लिखना सीख जाएगी? तो क्या हुआ अगर पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो अपने परिवार को भी अच्छी तरह संभाल पाएगी। अगर पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो अपने परिवार को भी अच्छी तरह संभाल पाएगी और बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएगी, है ना, अच्छी अच्छी बातें बता पाएंगी।
माँ ने उसे समझाते हुए कहा। रानी की माँ कुछ सोचकर बोली, बीबी जी लेकिन लड़कियों और औरतों का काम तो केवल घर लड़कियों और औरतों का काम तो केवल घर के काम में मदद करना ही होता है, पढ़ाई लिखाई तो लड़कों का काम होता है। मतलब उसका ऐसा सोचना है कि लड़कों का ही काम पढ़ाई लिखाई होता है, लड़कियों का ही होता है। बट ये गलत है, आज के इस युग में ना लड़कियां काम है ना लड़के काम है, हर फील्ड में लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर चलती है, पता है ना आपको ये बात। चलिए पेज टर्न कीजिए बेटा। माँ ने फिर कहा, नहीं नहीं सीमा ये तुम्हारी गलत फहमी है। क्या कहा? नहीं नहीं सीमा ये तुम्हारी गलत फहमी है, आज के समय में लड़का लड़की सब एक समान है, आज के समय में लड़का लड़की सब एक समान है। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, ये भी तो महिलाएं थी ना महिलाएं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। मदर टेरेसा जिन्होंने गरीबों की मदद करी, इंदिरा गांधी अपने भारत प्रधानमंत्री रही, रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने लड़ाई करी और वीरतापूर्वक अपनी जान दे दी, और कल्पना चावला जो कि रॉकेट में बैठकर गई थी और मात्र 12 सेकंड पहले वो रॉकेट आने वाला था जमीन पर और रास्ते में ब्लास्ट हो गया है ना, और सरोजिनी नायडू ये भी तो महिलाएं ही थी जिन्होंने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया है ना, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी रह चुकी हैं। फिर लड़के लड़कियों में यह भेदभाव क्यों, जब सर्वोच्च मतलब प्रथम राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल रह चुकी वो भी एक औरत है, फिर भी लड़के और लड़कियों के में यह भेदभाव क्यों हो रहा है? सरकार ने तो दोनों को समान अधिकार दिए, सरकार ने तो दोनों को समान अधिकार दिए, फिर तुम रानी से उसका बचपन क्यों छीन रही हो, फिर तुम रानी से उसका बचपन क्यों छीन रही हो, उसे भी तो सब बच्चों की तरह खेलने कूदने और बाहर घूमने का पूरा अधिकार है, उसे भी तो सब बच्चों की तरह खेलने कूदने और बाहर घूमने का पूरा अधिकार है। आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई है, आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई है, डॉक्टर हो या इंजीनियर, शिक्षक हो या मंत्री, उसने हर क्षेत्र को चुनौती हर क्षेत्र की चुनौती को बखूबी पूरा किया। अब बताइए क्या महिलाएं डॉक्टर नहीं होती है? होती है ना, हर क्षेत्र में खेलने कूदने में पीटी उषा थी है ना, हर इंजीनियर हो या शिक्षक हो है ना, सभी में आपको महिलाएं दिख रही है, ऐसा तो नहीं कि महिलाएं नहीं है ना, मैं भी एक महिला हूँ और शिक्षक के रूप में, कोई इंजीनियर है वो भी एक महिला है ना, तो हर क्षेत्र में तो महिलाएं सबसे आगे हो रही है, फिर ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल रही है ना, डॉक्टर हो या इंजीनियर, शिक्षक हो या मंत्री, उसने हर क्षेत्र की चुनौतियों को बखूबी पूरा किया है। तुम भी रानी को स्कूल भेजो, तुम भी रानी को स्कूल भेजो, जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। रानी की माँ बोले, पर बीबी जी इसकी पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगी? क्या बोला? बीबी जी इसकी पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगी? माँ ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे, इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे, मतलब वो जो उसकी बीबी जी बोल रही थी कि इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च हम उठाएंगे, ठीक है, तुम बस इसे स्कूल भेजने के लिए हाँ कह दो, तुम बस इसे स्कूल भेजने के लिए हाँ कह दो, ठीक है, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, रानी की माँ मुस्कुराकर बोली। माँ के हाँ कहते ही रानी तो मानो खुशी का खजाना ही मिल गया, माँ के हाँ कहते ही रानी को तो मानो खुशी का खजाना ही मिल गया, उसके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, उसको इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी थी कि वो नाच रही थी, उसके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज मुझे अपने प्रयास पर खुशी हो रही है, मुझे यकीन था कि रानी पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करेगी, आशा करती हूँ कि आज आने वाली पीढ़ी भी रानी की माँ की तरह इस गलती को न दोहराए, अब मैं निश्चिंत होकर सो जाऊंगी, सो सकूंगी। देखिए बेटा आपको चैप्टर समझ में आया अच्छे से, अच्छे समझ में आया? चलिए आपकी क्लास यहीं पे फिनिश होती है,
आप सभी को चैप्टर समझ में आया बेटा? यस। अब आज का आपका होमवर्क यही बेटा कि आपको इस चैप्टर को फिर से रीड करना है, ठीक है? तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बेटा। कुछ पूछना है? कुछ पूछना हो आपको तो पूछ सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया हो तो सबको सब कुछ समझ में आया? रिप्लाई में थम्स अप। सबको सब कुछ समझ में आ गया? तुमने समझाया? ओके बेटा, ये ऋषि तनवानी को क्या हो रहा है? चलिए अब अपन कल आज का आपका होमवर्क है, जो चैप्टर कर रहा है अपन चैप्टर नंबर 15, उसको रीड करना है, ठीक है? और कल आपको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16, आपका लास्ट चैप्टर है। उसके बाद अपन जादुई गुड्डा का जो अपना चैप्टर बच गया था वो पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, गुड बाय बाय। हेलो मैम। यस बोलिए। बुक एक्टिविटी मैम, इस चैप्टर की बुक एक्टिविटी कब करेंगे? बेटा अपन सारी चैप्टर्स की बुक एक्टिविटी एक साथ में करेंगे अब। यस मैम। अपना ग्रामर पैटर्न भी है ना अभी तो? यस मैम। है ना, तो अपन फर्स्ट चैप्टर से बुक एक्टिविटी सारी एक साथ पढ़ेंगे, एक के बाद में एक, है ना? ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और साथ ही साथ अपन क्वेश्चन आंसर भी पढ़ेंगे, ताकि अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो तो आप सुधारते भी जाना, है ना? यस मैम, सही है। ओके बेटा, बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। ओके बाय। कितने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे, छोटे छोटे से। चलिए बाय बेटा, कुछ पूछना तो नहीं ना आप लोगों को? बाय मैम। ओके बाय।